This is a question of the probability. The question is that a fair die is thrown. Find the probability that the face on the die is number first है maximum, number second है prime, number three है multiple of three and number four है multiple of seven. As you know कि सबसे पहले we have to define the sample space. So जो die की sample space है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is the sample space of the die. सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट जब फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या है लेट ए बी द इवेंट लेट ए बी द इवेंट दैट द फेस इज मैक्सिमम फेस इज मैक्सिमम लेट ए बी द इवेंट दैट द फेस इज द मैक्सिमम मीन इस सैम्पल में से जो मैक्सिमम फेस है वो आपने दिखना है और वही हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए इज इक्वल टू देन मैक्सिमम फेस कितना है 6 है हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ एस एंड वट इज़ द एन ऑफ ए एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6 और एन ऑफ एस कितना है हमारे पास कितना है सॉरी एन ऑफ ए कितना है जस्ट ऑनली इसके डिजिट्स कितने हैं 1 और ये कितना है हमारे पास 6 तो ये मेरे पास आ गया 1/6 नाउ सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फेस इज प्राइम फेस इज प्राइम सिंपल ये भी लिख सकते हैं बी इज़ द नंबर प्रेजेंट ऑन द प्राइम दैट द फेस इज़ ऑन द प्राइम नंबर यहाँ पर बी कितने आपने वो लेने हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर है और हमारे पास प्राइम नंबर्स कितने हैं 1, 3 and 5 है प्राइम नंबर मीन जो किसी पर सॉरी 2 है जो किसी पर डिवाइड नहीं होते 2, 3 and 5 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट नंबर सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस एन ऑफ बी कितने 1, 2, 3 डिजिट्स हैं 3/6 इज इक्वल टू 1/2 नाउ थर्ड क्या था मल्टीपल ऑफ 3 लेट सी बी द इवेंट लेट द फेस इज मल्टीपल ऑफ 3 अब 3 का मल्टीपल होना चाहिए फेस को वो हमारा काउंट होगा तो सी कितना हो जाएगा 3/6 मल्टीपल का मतलब 3 पर डिविजिबल होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ऑफ सी इंटू एन ऑफ एस और ये 2/6 इज इक्वल टू 1/3 सो आई वी कितना हो जाएगा लेट डी बी द आई वे लेट डी बी द इवेंट दैट द फेस इज मल्टीपल ऑफ 7 तो आपको पता है कि 7 किसी चीज़ का मल्टीपल होता ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना आ जाएगा एन ऑफ डी इंटू एन ऑफ एस इज इक्वल टू 0 क्योंकि ज़ाहिर है डी में 7 डाई में 7 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता सो हमने इसको 0 लिख दिया